सो आज बेसिकली हमें प्रैक्टिस शीट स्टार्ट करना था, और आई गेस प्रैक्टिस शीट आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी सॉल्विंग। सो डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा अपकमिंग टेस्ट होगा उसका टॉपिक सिर्फ लॉज ऑफ मोशन रहेगा विदाउट फ्रिक्शन, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन, दैट इज 5A। ओके सो स्टार्ट कर लेते हैं यार, सेम पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, डाउट्स बताएं आप लोग। Any doubt from question number 1 to 5? 1. Okay, 1. 3. 3. Okay. So, 1 and 3. Chale, discuss kar lete hain. Read karte hain question 1. So, a force acts on a body, mass 50 kg for 10 seconds. When the force stops acting the body covers 80 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। सो होगा क्या, अगर मैंने सडनली फोर्स जीरो कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि वी अब चेंज नहीं होगा, वी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो इसका मतलब हमें देखना है कि ये तो क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का हो गया कि फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना फोर्स लगेगा और कितना वी आ जाएगा, देन आफ्टर दैट इट विल रिमेन विद अ वी कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि आफ्टर द फोर्स इज जीरो, व्हेन द फोर्स stops acting on the body, it covers 80 meter in next 10 second. तो इसका मतलब क्या होगा कि first question में जब वो stop, मतलब force stop हो गया तब वो 80 meter 10 second में जा रही है। इसका मतलब हम calculate कर सकते हैं कि acceleration हो गया है zero, मतलब हम simple distance speed वाले formula लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v is equal to क्या हो जाएगा, distance over time। So कितनी distance है, 80 meter over time, because acceleration zero है, यही उसमें बोला हुआ है, व्हेन द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, तो स्पीड कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि आफ्टर दिस 10 सेकेंड स्पीड कितनी हो गई है, 8 मीटर पर सेकेंड हो सकती है। सो इट मींस इन इनिशियल 10 सेकेंड में कितनी हो गई है, वी हो गई है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम निकाल सकते हैं इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कितना होगा, सो वही v इज इक्वल टू u, तो जीरो था प्लस 80 से निकाल सकते हैं, तो u तो हमारा इनिशियल जीरो था एकदम, हमें v पता है 0.8 मीटर, यस। सो v हमारा 8 है, a हमें चाहिए इनटू t है 10 सेकंड, सो a की वैल्यू क्या आ गई, 0.8। तो इसका मतलब ये हुआ दिस मच एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू m इनटू a, सो 50 इनटू 8, क्लियर, सो 40 न्यूटन फोर्स। तो क्वेश्चन सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑफकोर्स टू स्टेप क्वेश्चन है, आपको दो बार तो चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी, काइनेमेटिक्स से बेसिकली रिलेटेड है। हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डायरेक्टली यूज कर लिया, बिकॉज आफ्टर मतलब नेक्स्ट लास्ट 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन जीरो था। कुछ भी डाउट रहता है इवन आफ्टर सॉल्विंग तब भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थ्री रीड करते हैं, अ बॉडी फॉल, a body of mass 10 kg has a velocity this at the end of successive seconds, so what is the force acting on the body। to matlab simple hai, mass hame pata hai aur puch raha hai ki pehle 10 second hai, fir successive seconds matlab next second 11, next second 12, to matlab acceleration kitna hai, 1 meter per second। iska acceleration is change in velocity over time, so each second velocity is changing by 1 meter per second in how much time, each second, so that means the acceleration is 1 meter per second square, so simple hai, rf is equal to ma laga do 10 yes, 10। next 6 to 10 any doubt, 10 okay, 10 to 10 by 10 9 8 to 9 6th b, ठीक है, चले देखे, रीड करते हैं। अ फोर्स एफ अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास m1 प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4, इफ द सेम फोर्स अप्लाइड टू m2 देन द एक्सेलरेशन इज 10। तो इसका मतलब ये उनका मास अलग अलग होगा ना, तभी तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन आ रहा है उनमें, ओके। नाउ ए एंड बी टाइड टूगेदर तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो इसका मतलब पहले एफ इज इक्वल टू mn लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि सेम फोर्स इज अप्लाइड टू अनदर, सो लेट्स सी, ये हमने m1 और a1 निकाला, दूसरा क्या है m2 और a2 है, ठीक।
तो सेम फोर्स लग रहा है, पहले का मास क्या है, m1 है बट एक्सेलरेशन 4 है, दूसरे का मास m2 है बट एक्सेलरेशन कितना है, 10 है। तो इससे ये पता चल सकता है कि यार m1 बाई m2 कितना हो जाएगा, या m1 जस्ट लिख सकते हैं कि m1 विल बी 10/4 टाइम्स ऑफ m2। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द सेम फोर्स, दिस सेम f इज अप्लाइड टू कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तब एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब f इज इक्वल टू m टोटल ओवर a इनटू a, सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ओवर m टोटल। क्लियर, m टोटल हमें पता है, m1 प्लस m2 कर देंगे हम, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f हमें चाहिए होगा पहले, तो f किसी एक को लिख सकते हैं, लेट्स से m1 a1 भी लिख सकते हो या फिर m2 a2 लिख सकते हो, किसी को लिख दो। तो लेट्स से मैंने क्या लिख दिया, m1 इंटू 4 लिख दिया, मैं चाहूँ तो m2 इंटू ये भी लिख सकता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर टोटल मास है m1 प्लस m2, और अगर आपने ऊपर m1 यूज किया है तो फिर नीचे m2 को रिप्लेस कर दो m1 से, और m1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपने ऊपर m2 इंटू 10 यूज किया होता तो फिर नीचे m1 को हटा के m2 के टर्म्स में लिख देते हैं, वैल्यू हमें कन्वर्ट होके आ जाती। ओके, तो यहाँ से फिर इसका मतलब m2 को क्या लिख सकते हैं, m2 को लिख सकते हैं 2/5 टाइम्स ऑफ m1, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो m2 को लिखा 2/5 टाइम्स ऑफ m1, सो m1 कॉमन लेके क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे से, बचेगा 4 ओवर 1 प्लस 2/5। सॉल्व कर दे, सो 5 ऊपर जाए, पहले LCM लेंगे, सो नीचे आएगा 7/5, और 5 ऊपर जाएगा सो आ जाएगा 20/7। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट हाँ ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चन 2 स्टेप में है, ये 2 चीजें तो सोचनी पड़ेंगी आपको। क्या चीज, 8th one also, okay. देख लेते हैं 8th, a railway this mass moving with the speed this, the force which should be applied to bring it to rest over 20 meters, तो मतलब देखो रेस्ट पे लेके आना है ना, मतलब काइनेमेटिक्स तो लगाना ही है, स्टॉपिंग डिस्टेंस दी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको दिए, फॉर्मूला क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का बताइए, जिसने क्वेश्चन पूछा है u²/2a। ओके, जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर करना चाहिए चीजें कि u²/2a में स्टॉपिंग डिस्टेंस पता है, तो इसका मतलब क्या चीज पता चल जाएगी हमें यहाँ पर u, अच्छा एक चीज और, u हमें दिया 72 किलोमीटर पर आवर, तो पहले कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना आएगा 20 मीटर। अभी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी गिवन है 20, इंटू यू कितना है 20, सो 20 × 20 ओवर एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 10। सिंपल, ए पता चल गया तो एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दो। 9 नंबर देख लेते हैं, अ पार्टिकल मास दिस फोर्स दिस वेयर के की वैल्यू गिवन है, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ दिस। ओके, तो इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट दिस, तो मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू इस पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका इनिशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये इनिशियल वैल्यू ही दी हुई है ना, क्योंकि क्या लिखा हुआ है इट इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, इसका मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं वो इनिशियल ही दी हुई हैं, मतलब हमें क्या करना है, हमें इसी को तो यूज करना है, पॉइंट समझ में आया, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल जो है यहाँ पर इनिशियल एक्स आपको दिया है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक, बट के किस में है, देखो एम के एस यूनिट में, न्यूटन पर मीटर में, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मीटर में, 0.2 मीटर, ये हो गया इनिशियल एक्स, सो हम इनिशियल फोर्स निकाल सकते हैं ना, एफ इनिशियल, इनिशियल अगर एक्स रखा तो फोर्स भी क्या आएगा, इनिशियल वाला आएगा, के इंटू एक्स इनिशियल, बस हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, 0.3 × a इज इक्वल टू −15 × 0.2, a की वैल्यू आ गई। ओके, सो ए की वैल्यू कितनी 10 आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, वो माइनस का क्या क्या
माइनस जस्ट डायरेक्शन के लिए दिया हुआ है कि मे बी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एक्सेलरेशन, मतलब एक्चुअल रियल चीज तो होनी चाहिए थी माइनस टेन, रियल आंसर है माइनस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस माइनस सिग्निफाइज कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है उसको। ओके सर। अ क्रिकेट बॉल मास दिस मूविंग विद द वेलोसिटी दिस हिट्स अ बैट सो दैट इट टर्न्ड बैक विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। तो ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन टाइप वाला क्वेश्चन लगने लग गया ना। बताया था हमने एक वॉल है, लेट्स से बैट को हम वॉल जैसा मान लेंगे, तो ये आ रहा था किस स्पीड से, 12 से, रिटर्न किस स्पीड से हो गया, 20 से। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम m into v final minus v initial करेंगे ना, और देखो v final negative direction में जा रहा है, तो basically 12 और 20 से चेंज कितना आ जाएगा, 32 का चेंज आ जाएगा। क्लियर? बेसिकली देखे तो ये होगा माइनस 20 एंड माइनस 12, सो जो चेंज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इतना चेंज होगा m into 32। समझ आया? यही गलती हो सकती है, बाकी तो सिंपल है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी बाई टी। ओके, ये कराया हुआ यार, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है नोट्स में भी, याद आ रहा है? सर हम एक्सेलरेशन निकाल के भी कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब वही बात है ना, ये m into v final minus v initial by time, तो acceleration ही हो जाएगा ना। बट अगर 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 हम ये पूछें आपसे, अगर हम क्या पूछें आपसे कि आपको बोर्ड्स में सॉल्व करना है, तो बोर्ड्स में आप नहीं कर सकते हैं ये एक्सेलरेशन निकाल के, क्योंकि एक्सेलरेशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। कर सकते हैं, बट जब टाइम पीरियड बहुत ही छोटा होता है ना, तो हम ये मोमेंटम चेंज ही बोलते हैं उसे, दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हाँ सर, प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकली वो वही बात है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टाइम, तो एक्सेलरेशन ही हो जाएगा। बट अगर बोर्ड्स में सॉल्व कर रहे हैं तो वैसे नहीं करेंगे हम। चले नेक्स्ट, 11 टू 15 बताएं। 11, 12, 13. ओके, चले देख लेते हैं 11 देखते हैं। मशीन गन फायर्स this mass with the velocity this, okay, a man holding the machine gun can exert this much pressure। तो बहुत ही सिंपल हो गया यार, मतलब ये तो क्वेश्चन नहीं बना ना यार, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। पता चल रहा है कि मैन जो है कितना मोमेंटम हैंडल कर सकता है, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड चाहिए, तो हमें देखना है कि पर सेकेंड कितना हो सकता है। तो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। एक बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, 15 to 80, ठीक है, उससे हमें फोर्स चाहिए। सो 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, चेंज इन मोमेंटम, लेट से n बुलेट्स हमने फायर की, इनटू एक बुलेट का मोमेंटम कितना आ रहा है, 50 ग्राम, तो इसे मैं लिखूंगा 0.05 इनटू 800 डिवाइडेड बाय कितना, पर सेकंड पूछा है, 1 सेकंड। समझ आया? यस सर। चेंज इन मोमेंटम कितना, कितना मोमेंटम वो बुलेट को दे रहा है, उतना ही मोमेंटम उसे हैंडल करना पड़ेगा थ्रू द फोर्स। 12 नंबर देख लेते हैं। हाँ, ये डिवाइड डिवाइड कर लेना यार, अब ये मत बोलना कि सर सॉल्व नहीं करते हैं पूरा, ये डबल कैंसिल और अपना सॉल्व कर लेना है थोड़ा सा। चले, अ ब्लॉक मास 3 kg इन कांटेक्ट विद द सेकंड ब्लॉक 2 kg, ठीक है, रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, 20 न्यूटन अप्लाइड टू पुश ए, व्हाट इज द फोर्स विद व्हिच ब्लॉक ए पुशेस द ब्लॉक बी। ये क्या था यार, ये क्वेश्चन किसने पूछ लिया, ये तो हमने कितने सारे डिस्कस किए हैं इस पे बेस्ड। फोर्स लग रहा है कितना, 20 न्यूटन का, तो ए क्या आ जाएगा सिस्टम का, एफ ओवर एम टोटल, तो कितना आ जाएगा, 20/5/4। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग एफबीटी बनाएंगे, वो पता चल जाएगा किस फोर्स से कौन कितना पुश करेगा। यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल दोनों को किस नेचर का होगा, पुशिंग नेचर का, ये 2 ये 3, ये इन दोनों के बीच का नॉर्मल, दोनों को पुश करता हुआ, बट एक एक्स्ट्रा फोर्स है 20 न्यूटन का, एंड बिकॉज ऑफ दैट बोथ आर मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो मैंने बताया एग्जाम में अगर फास्ट सॉल्व करना है तो जिसमें कम दिख रहा है, इसमें सिर्फ n पुश कर रहा है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे यार। ये क्वेश्चन मतलब यार
अगर ये नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब तुम लोग नोट्स पढ़ ही नहीं रहे हो यार। 2 × 4 = 8 चाहिए तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। एफ नेट कितना होगा 20 माइनस एन अपोज कर रहा है इज इक्वल टू एम 3 है इनटू ए 4 एन की वैल्यू यहाँ से भी 8 आएगी। पढ़ नहीं रहे हो यार इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल। बेसिक क्वेश्चन था नोट्स का बिल्कुल। द इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन दिस इफ द कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास। अरे यार क्या चल क्या रहा है भाई। उसके साथ अनदर कार ऑफ सेम मास इफ द कार पुल्स अनदर कार ऑफ सेम मास तो मतलब कोई चेंज नहीं होगा ना। समझ रहे हैं। इफ इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 इन अ कार ठीक है। इफ दिस कार पुल्स अनदर कार तो इसका मतलब लेट से ये मास एम था और ये एम था। पहले m को पुल कर रहा था a से अभी मास कितना हो गया 2m हो गया ना तो कितना एक्सेलरेशन आएगा हाफ आएगा। पहले एक्सेलरेशन जो इनिशियल था वो था f ओवर m नाउ फाइनल एक्सेलरेशन होगा f ओवर 2m मतलब a फाइनल कितना होगा इनिशियल बाय 2। इस तरीके के डाउट है पूछ रहे हैं कोई बात नहीं। नेक्स्ट 16 to 20 बताएं। 18 and 20 देखिए। सो अ टैक्सी विदाउट एनी पैसेंजर मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड विद यू कैन बी स्टॉप्ड इन डी नाउ पैसेंजर्स ऐड 40% ऑफ इट्स वेट What is the stopping distance at U? तो इसका मतलब ये है कि हमें मानना पड़ेगा कि कोई एक फोर्स है जो रोकने वाला है ठीक है। तो फोर्स कितना लग सकता है फोर्स होता है मास मतलब फोर्स लेट से सेम एक कार है जो एक ब्रेकिंग फोर्स लगा सकती है तो लेट से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो हो जाएगा एफ अपॉन एम ठीक है। ये हुआ पहला एक्सेलरेशन तो स्टॉपिंग डिस्टेंस डी कितनी हो जाएगी यू स्क्वायर बाई टू ए। अच्छा अभी क्या होगा मास बढ़ गया तो एक्सेलरेशन तो बदल जाएगा ना क्योंकि हमने फोर्स तो सेम लगाया। मास कितना बढ़ गया 40% बढ़ गया याद है ना 40% बढ़ना मतलब क्या बोलेंगे 1.4 टाइम्स मास हो गया ठीक है। तो यार अगर मास 1.4 टाइम्स हो गया लेट्स से डिस्टेंस 1 थी स्क्वायर टाइम्स होगी सो u स्क्वायर u तो फिक्स है इनिशियल स्पीड तो फिक्स है और नीचे क्या होगा उसका एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा कि कितना एक्सेलरेशन वो अप्लाई करने वाला है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 × ये जो a है उसके जगह पे ये आने वाला है आपका मतलब a1 by 1.4 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ a1 by 1.4 टाइम्स दिख रहा है f by m को क्या लिख दिया a लिख दिया a1 लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a2 लिखना मुझे a2 है बस इस a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × a1 by 1.4 4 क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो d2 होगा वो हो जाएगा 1.4 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर बाय 2a ये तो हमने क्या माना है d1 माना है ना तो u नहीं बदल रहा है एक्सेलरेशन बदल रहा है तो स्क्वायर वाला टर्म आएगा ही नहीं c होना चाहिए फिर तो इसका समझा। yes, sir. एक्सेलरेशन तो मास पर डायरेक्ट डिपेंड है एक्सेलरेशन पर डायरेक्ट डिपेंड कर रही है ऐसा कुछ स्क्वायर वाला लॉजिक ही नहीं तो स्क्वायर और रूट ये सब आएगा ही नहीं ओके तो ये थोड़ा सा ठीक मान सकते हैं लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन। 19 ये थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन आंसर किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ था ये क्वेश्चन आंसर क्या आता है इसमें 75√3 होना चाहिए फिर हाँ थीटा 30 होता तो काम बन जाता 30 डिग्री कर लेंगे तो फिर आ जाता है ठीक है। 20 नंबर रीड करते हैं। अ मैन वेइंग दिस स्टैंडिंग ऑन अ ट्रॉली वेइंग दिस द ट्रॉली इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इफ द मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द ट्रॉली द वेलोसिटी 1 आफ्टर 4 सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड। अच्छा तो इसका मतलब देखो यार ये क्या हो गया ये पक्का कुछ मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड वाली चीज हो गई क्यों क्योंकि हमने कुछ ऐसा सिचुएशन बनाया था ना कि लेट्स से ये प्लेटफॉर्म है ऐसा ओपन ट्रॉली मान लेते हैं तो ये जो पर्सन है उसका मास हमें दिया है ये है 40 kg
सॉरी 60 केजी और ये 240 केजी। अभी हो ये रहा है कि ये पर्सन आगे जा रहा है, ठीक, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो इसका मतलब ये कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए ना, तो अगर ये पर्सन आगे जाएगा तो ट्रॉली कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी ना, तो हमें क्या कराना है, इसका मतलब इसमें मोमेंटम कंजर्व कराना होगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, या फिर दोनों का, जो वन का मोमेंटम है दूसरे का मोमेंटम क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो मोमेंटम हम दोनों का बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 60 × 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 × 2, लेट से कुछ वी, तो वी आ गया 1/4, डन। पॉइंट समझ में आया क्वेश्चन सबको? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी स्पीड देखें इसके फॉर्मेट में तो क्या सिचुएशन होगी, इसकी स्पीड हमें पता है, अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि 4 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, बताओ 4 सेकंड में कितनी कवर करेगा, v × t, डन। सो कितना आ जाएगा यहां से 4 सेकंड में, 4 × 1/4 कितना आया, 1 मीटर, क्लियर, पॉइंट समझ में आया, इसने कवर किया 1 मीटर। अब इतनी देर में अगर मैं बात करूं, इतनी देर में, तो अगर ये इतनी देर आगे रहा तो ये पर्सन भी तो आगे जा रहा था ना, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द ग्राउंड, ओके, हमने किसके रेस्पेक्ट में सर सॉल्व कर दिया है, इन दोनों के ही रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया, जबकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए कि क्या पॉइंट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यार ये फिर कैलकुलेशन हमारी गलत हो गई, क्योंकि हमने इन दोनों के रिलेशन में ही कर दिया है, ठीक, हमें चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो यार ये हम अपना गलत करते हैं और हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, देखें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो, अगर ये पर्सन आगे गया लेट से एक्स डिस्टेंस, फील करिएगा, अगर ये पर्सन को लग रहा है कि ये कितनी डिस्टेंस गया, एक्स डिस्टेंस, बट हमें पता है कि ट्रॉली कितनी पीछे चली गई है, लेट से कुछ वाई डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या रियल में वो एक्स डिस्टेंस गया क्या, वो तो एक्स से कम जाएगा ना, पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसके आगे जाने के वजह से, बिकॉज ये ट्रॉली के साथ में ही चल रहा है, तो ये जो पीछे की तरफ स्पीड मिली है ये किसे मिलेगी, पूरे सिस्टम को मिलेगी, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कि अगर पर्सन आगे जा रहा है कि कुछ 1 मीटर पर सेकंड से, तो जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो कौन पीछे जा रहा है रियल में, वी स्पीड से कौन पीछे जा रहा है, सिर्फ कार जा रही होगी क्या, ये दोनों पीछे जा रहे होंगे ना, बात समझ में आई या नहीं, अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो ग्राउंड से देखने में इस पर्सन को तो लग रहा है कि ये आगे जा रहा है, लेकिन इसके वजह से कार्ट पीछे जा रहा है, ये जो भी है ये पीछे जा रहा है, तो क्या अकेले कार पीछे जा रही होगी, पर्सन भी तो उसमें है ना, मतलब पर्सन को भी तो पीछे की तरफ स्पीड फील होगी, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा व्हाइल वी आर ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले बता ये बात समझ आई कि नहीं, कि अगर मैन आगे जा रहा है तो अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे दोनों लोगों में थोड़ी सी वी की वेलोसिटी पीछे जाते हुए फील आने वाली है, क्लियर या नहीं, एक बार फिर से समझाइए। अच्छा चले देखे फिर से सिचुएशन देखते हैं, मैं फिर से बताता हूँ, सपोज देखना ऐसे फील आ जाएगा तुरंत, एक पर्सन है वो एक कार्ट पर आगे जा रहा है 10 की स्पीड से जा रहा है, अच्छा 10 की स्पीड के वजह से ये कार्ट पीछे जा रही है, लेट्स से ये कार्ट 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है, अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो पर्सन किस स्पीड से जाता हुआ आपको दिखेगा, 8 मीटर पर सेकंड, बस यही समझाना चाह रहे हैं कि ये पर्सन तो जा रहा है 10 से और ये कार्ट पीछे उसे, मतलब इसके वजह से पीछे जा रहा है 2 का, तो पर्सन को ओवरऑल फील थोड़ी सी कम आने वाली है,
डन। ये कहां से दिखेगा? ग्राउंड से दिखेगा, ठीक। तो ग्राउंड से अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी, क्योंकि पूछा है डिस्टेंस ग्राउंड से, तो मैं सिर्फ सिर्फ पर्सन की स्पीड 1 × 4 नहीं कर दूंगा, समझ आया? 1 में हमें माइनस करनी पड़ेगी क्या, ट्रॉली की, ट्रॉली जो भी होगी, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आया? ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हमें उसके लिए क्या निकालना है, वी निकालना है। वी निकालने के लिए क्या कंजर्व करेंगे, मोमेंटम। अब देखो कि इस पर्सन का जो आगे मोमेंटम है, ठीक है, लेकिन क्या पीछे सिर्फ ये कार्ट जा रहा है क्या, ट्रॉली अकेले पीछे जा रहा है क्या? ट्रॉली पर्सन के साथ पीछे जा रहा है ना, ये पॉइंट समझा रहे हैं हम आपको। तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो पर्सन लेट से 10 से जा रहा है, लेकिन ट्रॉली 2 से जा रही है, तो ओवरऑल हमें फील 8 का ही आने वाला है। तो जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लेंगे तो ये दोनों लोग पीछे जाने वाले हैं, किस स्पीड से, 2 से, तभी तो आप इसका मोमेंटम कम कर रहे हैं, समझ आया? तो इसका मतलब जब हम मोमेंटम लिखेंगे P1 और P2 का, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम देखेंगे, तो आगे कौन जा रहा है, 60 kg × 1, और पीछे कौन आ रहा है, ये 60 वाला भी पीछे आ रहा है, सो 240 + 60, ये दोनों लोग पीछे आ रहे हैं वी स्पीड से, ठीक है। सो ये हो गया 60 = ये कितना हुआ, 300 × V। सो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 1/5, क्लियर। ये स्पीड आ गई 0.2, तो ये स्पीड आ गई इसकी। अब हमें पता है कि अगर ये दोनों पीछे इतना जा रहे हैं तो ग्राउंड से देखोगे तो कम फील आएगी ना, सो 1 - this much × जो भी टाइम है 4 सेकेंड, सो कितना हो जाएगा, 0.8 × 4 सेकेंड, 3.2, ओके। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज एक्स्ट्रा समझ में आई है, मोमेंटम। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, ये मोमेंटम यहाँ पर यूज कर दिया ना, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी पावर का, जिसमें हम ये मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना इसमें। नेक्स्ट 21 to 25 बताएं। 21 23, ओके देखें 21 देख लेते हैं। सो फॉलोइंग फिगर, बॉडी मास 1.2 kg रेस्ट एट अ पॉइंट P, ठीक है। इफ R एंड F डिनोट द रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स रेस्पेक्टिवली, देन फ्रिक्शन यहाँ पे बीच में ले आया, बट कोई बात नहीं, हम डील कर लेते हैं। तो हमें पता है कि इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी है चीज़ों को। तो अभी ये वाला क्वेश्चन, बाय द वे मैं फ्रिक्शन में आपको बताऊंगा ही डिटेल में, कि फ्रिक्शन जो फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है μ × N। म्यू क्या होता है, म्यू होता है उसका कोफिशियंट, फ्रिक्शन कोफिशियंट, इंटू एन होता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये कंफर्म हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स रहेगा μ × N, डन। बट एक चीज होती है कि फ्रिक्शन लगता क्यों है, फ्रिक्शन लगता है किसी को अपोज करने के लिए, तो यहाँ पे आगे पुश कौन कर रहा होगा, mg sin θ, mg sin θ जितना हो जाएगा इस वाले केस में, mg sin θ के जितना हो जाता है फ्रिक्शन sin θ, ठीक है। तो इनडायरेक्टली बेसिकली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, mg sin θ से फ्रिक्शन निकालना है। तो बाय द वे ये क्वेश्चन आप अभी के लिए चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन में मैं ये और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कब mg sin θ होगा, कब mg sin θ नहीं होगा, वो सारे सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन में, ओके। तो अभी के लिए इसे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज टेंशन नहीं है, mg sin θ रहेगा अभी के लिए। बट कई बार होता है कि mg sin θ नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा, μ × N रहेगा, तो μ × N के अकॉर्डिंग भी हमें देखेंगे। 23, which of the following sets of concurrent forces angle rule use करनी है। Okay, so which of the following sets of concurrent forces given in the Newton may be in equilibrium? Okay, concurrent का मतलब होता है at a point, ठीक है?
तो एट अ पॉइंट कौन से फोर्सेस नेट जीरो बना सकते हैं? तो एट अ पॉइंट मतलब ये एरो, लेट से ये एरो, लेट से ये एरो, कुछ रैंडम फोर्सेस हैं। और मुझे पता है अगर अगर एक पॉइंट पर कंकरेंट फोर्सेस हैं और एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो एफ नेट जीरो कब हो सकता है? जब कोई दो एक को कैंसिल कर दे, जब कोई एक बाकी दो को कैंसिल कर दे, ठीक। तीन लोगों का नेट फोर्स जीरो, तो मैंने बताया था कि अगर तीन फोर्सेस का नेट फोर्स जीरो है तो उनको हम ट्रायंगल के फॉर्मेट में जरूर दिखा सकते हैं। बताया था मैंने ये कि उनको ट्रायंगल के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, कैसा भी ट्रायंगल बन सकता है, तभी वो तीनों का नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या है कि जो तीसरा है वो इन दोनों के बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 23 में बात करूं तो लॉजिक ये है कि कोई एक एफ होना चाहिए विच इज ग्रेटर देन एफ मिनिमम और विच इज लेस देन एफ मैक्सिमम। और एफ मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मिनिमम हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब इट इज लाइक ए प्लस बी से ज्यादा होना चाहिए एक फोर्स, लेट से दैट फोर्स इज सी, एंड ए माइनस बी से कम होना चाहिए। तो देखिए किस केस में ये कंडीशंस बैठ रही हैं। हमें एक ऐसा सी है जो कि दो के एडिशन और दो के सब्ट्रैक्शन के बीच में हो सकता है। तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं थ्री और वन का पेयर बनाऊं तो इनका समेशन कितना हो जाएगा, फोर, और सब्ट्रैक्शन कितना, टू। क्या फाइव बीच में आ रहा है क्या? नहीं। दूसरा पेयर देख लेते हैं, फाइव और वन को ले लेते हैं। सो फाइव और वन का एडिशन कितना है, सिक्स, फाइव और वन का सब्ट्रैक्शन कितना है, फोर। क्लियर? तो ये जीरो हो सकता है क्या कभी? No. नहीं। तो ये पेयर कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता, हमने चेक कर लिया। ये वाला चेक कर लेते हैं, थ्री और फाइव और नाइन से। सो थ्री और फाइव का एडिशन कितना हो जाएगा, एट, और सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, टू। नाइन इनके बीच में है क्या? नहीं है। नाइन के साथ ट्राई कर लेते हैं, नाइन और फाइव का एडिशन कितना हो जाएगा, 14, सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4। क्या 3 इनके बीच में है क्या? नहीं है। मतलब ये भी पेयर पॉसिबल नहीं है। ये पेयर चेक कर लेते हैं, 5 एंड 3, तो फिर से 5 एंड 3 का एडिशन कितना हो जाएगा, 8, सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2। 6 इनके बीच में है या नहीं है? है। मतलब 6 इनको बैलेंस कर सकता है। समझ आया? यस सर। ओके, तो इस तरह हम पेयर चेक करते हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, आपके पास रैंडम फोर्सेस हैं, आपको पेयर बनानी है, तो हमें पता है कि पेयर हो सकता है कि एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल का मिनिमम क्या है? अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो मिनिमम ये होना चाहिए कि उन दो चीजों का फोर्स का जो मैक्सिमम है और दो फोर्स का मिनिमम है, इनके बीच में ही रिजल्टेंट रहेगा ना इनका। तो अगर आपने दो फोर्सेस के बराबर का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया और उसे अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो नेट फोर्स जीरो आ जाएगा ना। यस सर। तो बेसिकली ये रिजल्टेंट है, हम देख रहे हैं, एक ऐसा रिजल्टेंट ढूंढ रहे हैं जो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू से ज्यादा हो और रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू से कम हो। अगर ऐसा रिजल्टेंट मिल रहा है मतलब नेट फोर्स जीरो हो सकता है, नहीं मिल रहा तो नहीं हो सकता। तो बी के केस में हमें मिल गया। ए में ट्राई कर लेते हैं, तो ए में तो बिल्कुल नहीं हुआ, 12 तो बहुत ज्यादा है। सो 3, 5 का एडिशन भी 12 तक नहीं पहुंचेगा, सब्ट्रैक्शन तो और कम होगा। 5, 12 ट्राई कर लेते हैं, सो 5, 12 का एडिशन तो बहुत ज्यादा है, सब्ट्रैक्शन 3 तो नहीं होने वाला है। क्लियर? सब्ट्रैक्शन 7 जितना, तो 3 कभी बैलेंस नहीं कर सकता। ओके, तो ये थोड़ा सा इटरेटिव टाइप वाला क्वेश्चन हो गया, चेक करने वाला। लॉजिक समझ में आया सबको चेक करने का? यस सर। ओके ओके, गुड। देन अप टू 30 बताएं। 26 चले देख लेते हैं। सो फॉर ऑर्डिनरी टेरेस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट, 26 रीड करते हैं। फॉर ऑर्डिनरी टेरेस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट द ऑब्जर्वर इन an inertial frame is following case, ठीक है। तो
इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली किसी जगह पर डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डिनरी केस है, अ साइक्लिस्ट नेगोशिएटिंग अ शार्प कर्व, तो हमें पूछा क्या है, ऑब्जर्वर इज इन इनर्शियल फ्रेम, तो अगर एक कर्व पे ले रहा है तो बताओ वो साइक्लिस्ट कर्व पे ले रहा है तो उस पर कोई एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों लगेंगे, क्लियर, तो क्या ये इनर्शियल होगा क्या, नो सर, बी देखें, अ चाइल्ड रिवॉल्विंग इन अ जॉइंट व्हील, फिर से रिवॉल्व कर रहा है क्या लग जाएगा, सेंट्रीपेटल, तो इनर्शियल हुआ क्या, नहीं हुआ, अ ड्राइवर इन अ स्पोर्ट कार मूविंग एट विद अ कांस्टेंट हाई स्पीड स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड है, कोई अदर एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ठीक है, तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम हमारा, ठीक, पायलट इन एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ, सो टेकिंग ऑफ में वो एक कर्व बनाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो भी नहीं है, उसमें भी यहाँ पर एक्सेलरेटर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। 28 देखें, द इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ओके, सो हमें ये इक्वेशन पता है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए ना यार, तो कैसे निकालते हैं अगर फंक्शन दिया है तो, इक्वल टू जी, इक्वल टू जी, ये क्या था, s is equals to u t, वो फॉर्मूले, नहीं वो ठीक है, अगर हमें एक डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है, हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अरे डिस्टेंस का फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएट करके, फिर डिफरेंशिएट करके ये आएगा, ओके, सो वी विल बी dx by dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो u रह जाएगा और t क्या हो जाएगा, 1, t का डिफरेंशिएशन प्लस हाफ जी तो रहेगा और टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2t डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, dv by dt, तो देखो ये तो सिर्फ u लिखा है, इसका क्या होगा, 0 प्लस ये लिखा हुआ है 1 by 2g, तो 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो g रह जाएगा वहां पर और t का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आंसर आएगा एक्सेलरेशन का, जी, तो फोर्स कितना हो जाएगा, mg, 29, ये थोड़ा ध्यान दो, ऐसा डायरेक्ट इक्वेशन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि t क्यूब भी दे सकता था ना, कुछ भी दे सकता है, लेट्स से b into t क्यूब दे देता, तो फिर सॉल्व करते हैं, a man on a certain planet throws up a stone this gram with this velocity and catches it after 10 seconds, what is the weight of the stone, मतलब g चेक करना है, वो 8 सेकंड बाद कैच कर लेता है, मतलब उसने कुछ तो थ्रो किया, ये तो यार मतलब काफी इजी था यार, वो 8 सेकंड बाद वापस आ गया, 8 सेकंड, तो अप जर्नी का टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया ना, टोटल 8 सेकंड में कैच किया, तो अप जर्नी का टाइम हो गया 4 सेकंड, और हमें पता है टी अप का फॉर्मूला क्या होता है, यू बाई जी, जी, ठीक है, तो यू बाई जी, तो यहाँ से हमें जी पता चल जाएगा, अप कितना है, टी कितना है, 4, यू कितना है, 10, यहाँ से जी पता चल जाएगा, जी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5, ठीक, तो वेट हमें पता चल गया, हम जी सर, 2u by g ना, 2u by g पूरा टाइम होता है, 2u by g पूरा टाइम होता है, तो अगर आपको 8 यूज करना है तो आप 2u by g यूज करो, ओके सर, हमने सिर्फ अप बोला है कि अप 4 सेकंड में पहुंच जाएगा, आपको चाहिए t टोटल, टोटल टी अगर देखे तो वो होता है 2u by g, तो फिर उसका मतलब तब आपको 8 यूज करना पड़ेगा ना यहाँ पर, ठीक है, दोनों से वही आंसर होगा सर, वो 4 सेकंड पे हाफ पे होगा, वो कैसे सर हो जाएगा, प्लैनेट दूसरा है ना, अरे भाई कोई सा भी प्लैनेट हो यार पैटर्न तो वही रहेगा कि उसकी स्पीड को ये प्लैनेट का ग्रेविटी धीरे धीरे स्लो डाउन करेगा, एक टाइम बाद जीरो हो जाएगी और फिर वापस आ जाएगा, उसमें प्लैनेट के पावर पे कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा, वो टाइम चेंज हो जाएगा बस, मोशन का पैटर्न तो वही रहेगा ना, ओके है, क्लियर है, कोई टेंशन है अभी भी, ओके, अप टू 35 बताएं, 31
ओके बहुत सारे डाउट्स हैं यार 31, 32, 34 भी 35 भी वाह कोई बात नहीं चलो डिस्कस करते हैं सब तो फिर थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा यार सारे क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं करता हूँ रीड करें और मैं सिर्फ बोलता हूँ आप लोग समझेंगे और ट्राई करेंगे फिर से एक बार अ पार्टिकल मूविंग एक्स वाई प्लेन अंडर दिस फोर्स सच दैट द कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर दिस एंड दिस व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड पी एट अ गिवन इंस्टेंट तो मतलब हमें फोर्स चाहिए होगा ना बताया था यार फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाई टी बट डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में क्या हो जाएगा डी पी बाई डी टी तो मतलब अगर आपको फोर्स वेक्टर चाहिए तो पी को क्या करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना तो पी वेक्टर लिख लो पहले पी वेक्टर क्या हो जाएगा पी वेक्टर हो जाएगा टू कॉस टी आई कैप प्लस पी साइन टी ये गड़बड़ है यार थोड़ा ये पी नहीं होगा यहाँ पे टू होगा ठीक है टू साइन टी जे कैप ये होगा अब हमें एफ चाहिए तो एफ को क्या लिखेंगे डी पी बाई डी टी डिफरेंशिएट कर लो कॉस का क्या आएगा डिफरेंशिएशन साइन कॉस का माइनस साइन सो टू साइन टी अब देखो टी की जगह कुछ और होता तो उसका भी डिफरेंशिएशन करते बट टी का डिफरेंशिएशन तो वन हो जाएगा आई कैप प्लस साइन का क्या होगा कॉस टू कॉस टी जे कैप अब आपको एफ पता है वी पता है और आपको एंगल चाहिए तो सबसे बेस्ट आइडिया होता है कि चेक कर लो कहीं इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो तो नहीं है अगर नहीं है तो फिर पूरा सॉल्व करो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर ओवर एफ डॉट पी याद है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लेते हैं उनके बीच का एंगल समझ आया बट लकली अच्छी बात यह है कि अगर अभी आप इसमें डॉट कराएंगे तो इन दोनों का डॉट क्या जाने वाला है जीरो ठीक है तो आपको इनका वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमें पता है डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाने वाला है तो जीरो कॉस की वैल्यू किसकी होती है 90 डिग्री तो थोड़ा तो ये चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी आपको देखिए 10 kg stone suspended by a rope of breaking strength this. What is the minimum time in which the stone can be raised through a height of this? तो यार देखो, simple सी बात है, हमें question तो acceleration का ही है, क्योंकि हमें चाहिए कि इतनी height कितनी देर में पहुंच जाएगा, मतलब हमें देखना है कि हम किस acceleration से उसे push, pull कर सकते हैं. तो अब देखो यार, question में दिया है कि ये box है, और इसे हम कितना टेंशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब इससे ज्यादा टेंशन नहीं लगा सकते आप तो टेंशन कितनी लगा सकते हैं हम 30 केजी वेट मैंने समझाया था 30 केजी वेट को बदलेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 300 न्यूटन डन डाउनवर्ड कितना लग रहा होगा वेट एमजी मतलब कितना 100 न्यूटन तो इसका मतलब बताओ किस एक्सेलरेशन से जा सकता है ये ऊपर निकाल सकते हैं ना एफ नेट इज इक्वल टू एम ए एफ नेट कितना हो जाएगा 300 माइनस 200 इज इक्वल टू एम कितना 10 इंटू ए तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया डन अब हमें ये पता चल गया कि ये बॉक्स कितनी ऊपर से जा सकता है मतलब अपवर्ड किस स्पीड से जा सकता है 20 से तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 10 तो टाइम निकाल सकते हैं ना तो S is equal to ut plus half a t square लगा दो equal to ut plus half a t square a हमें पता है कितना a है ut तो zero हो जाएगा initial है और distance हमें cover करनी है 10 meters so 10 is equal to half into a है 20 into one second आ गया clear कोई doubt इसमें किसी को समझ आया ये तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है पॉइंट ये कि ये कितना स्ट्रिंग कितना मैक्सिमम टेंशन सपोर्ट कर सकती है तो स्ट्रिंग मैक्सिमम टेंशन 30 केजी वेट मतलब न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 300 न्यूटन जितना वो कंसिडर कर सकते हैं उसे ओके 33 10 आइडेंटिकल कॉइंस ईच ऑफ दिस प्लेस्ड
placed one above the other, what is the reaction of fifth coin counted from the bottom on the sixth coin? मतलब कुछ ये situation है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, ऐसे 10 coins है, हमें नीचे से count करके fifth number का देखना है. So 1, 2, 3, 4, fifth number का coin. इस पे reaction कितना लग रहा होगा? ठीक है. So what is the reaction on fifth coin on the sixth coin? Sixth coin पे देखना है. Fifth पे नहीं देखना है, sixth ऊपर वाले पे देखना है, इस पे देखना है. तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने बताया कि ये सरफेस होगा सिक्स वाले का और उस पे देखो फाइव वाला कितना रिएक्शन लगा रहा है. तो सिंपल सी बात है, ये फाइव वाले पे जितना लगा रहा होगा उतना ही वो भी लगाएगा. डन. ये फाइव वाले पे जितना रिएक्शन लगाएगा उतना ही वो फाइव वाले पे लगाएगा. तो ये फाइव वाले पे कितना लगाएगा? ऊपर जितना वेट है तो ऊपर वेट कितना है? कितने कॉइन्स है ऊपर? टोटल 10 है ना. ऊपर वेट, ऊपर ये पूरा वेट कितना है? 500 ग्राम. वेट कितना हो जाएगा? mg जितना कर सकते हैं. सो कितना आ जाएगा? 5 कॉइन्स है, 500 ग्राम मतलब 0.5 इनटू g कितना है? 10. सो कितना आ गया? 5 न्यूटन. क्लियर. तो इसका मतलब कितना फोर्स लगेगा? 5 न्यूटन का फोर्स ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा. अच्छा, प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे? ये देखो कंफ्यूजन है. मैं अपवर्ड को प्लस बोलता हूँ, डाउनवर्ड को नेगेटिव बोलता हूँ, बट हमसे तो पूछा कौन सा? अपवर्ड फोर्स पूछा है ना, तो लॉजिकली तो हम प्लस लिखेंगे, बट इसीलिए सारे ऑप्शन में माइनस दिया है कि वो कन्फ्यूजन कुछ ना रहे आपको. तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आपको जस्ट देखना है कि अमाउंट कितना है. तो समझ आया सबको? बॉडी ऑफ मास दिस स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद दिस कॉन्स्टेंट फोर्स दिस, देन द टाइम इन विच वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो. तो यार आपको फोर्स पता है सबसे पहले, तो पहले निकाल लो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ही तो बताएगा कि कितनी देर में स्पीड जीरो हो जाएगी. तो ऐसे क्वेश्चन तो मतलब वेक्टर टाइप में भी काफी डिस्कस कर लिए थे. हमें फोर्स पता है कितना है, माइनस सिक्स आई कैप माइनस फाइव जे कैप. अब फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आ जाएगा? मास का डिवाइड कर दो, मास कितना है? 5 kg. तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स बाई फाइव आई कैप, माइनस फाइव बाई फाइव करेंगे तो 1 जे कैप. ये आ गया एक्सेलरेशन. अब देखो वेलोसिटी कितनी है, ये 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप. क्लियर. तो अब देखो हमें किसको जीरो करना है, किसको जीरो करना है? जे कैप को जीरो करना है. तो मतलब सीधा वाई एक्सिस पे ही लगाएंगे हम 40 सेकंड. वाई एक्सिस में कितना होगा? तो टी इज इक्वल टू यू बाई ए. सो यू है 40 और रिटार्डेशन है 1 का, कितना हो जाएगा? 40 सेकंड में स्टॉप हो जाएगा. वाई का कंपोनेंट स्टॉप होगा क्योंकि पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ वाई कितनी देर में जीरो होगी. डन. ओके, सो ये हो गया. सर लास्ट सेंटेंस एक बार फिर से समझे. ओके, सिचुएशन क्या हुआ कि एक्स वाला एक्स को जीरो करता है, वाई वाला वाई को जीरो करता है. तो बेसिकली हमें वाई के कंपोनेंट को, वाई के स्पीड को जीरो करना है. तो ये वाई का स्पीड है और रिटायर्ड कौन करेगा? वाई का एक्सेलरेशन. तो स्टॉपिंग टाइम बेसिकली हमें निकालना है वाई का. तो हमें वाई एक्सिस का टाइम निकालना है, तो वाई एक्सिस की स्पीड और वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन यूज करेंगे. ओके, तो ये वाला हमारा रिटार्डेशन और ये 40 हमारी स्पीड थी इनिशियल. ओके, यस सर. नेक्स्ट 35 रीड करते हैं. अ मंकी डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री कांस्टेंट एक्सेलरेशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ of the branches 75% weight of the monkey, then minimum acceleration with which monkey should slide down without breaking the branch. Okay, तो मतलब देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये लेट से मंकी का मास है m, ठीक. ब्रांच की जो स्ट्रेंथ है ये t, ये कितनी है? उसके वेट की कितने टाइम्स है? 75% ऑफ mg. मतलब t कितना होना चाहिए? 3/mg. नीचे mg लग रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है और ऊपर वाला इससे कम नहीं होना चाहिए.
ठीक है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा होगा ना उसका, कि किस एक्सेलरेशन से वो नीचे जा सकता है, तो किस एक्सेलरेशन से जा सकता है, बस एफ नेट इज इक्वल टू एमए लगाना है। समझ आया क्या? तो एम जी माइनस थ्री एम जी बाई फोर इज इक्वल टू एम इन टू ए, तो ए कितना आ गया, जी बाई फोर। तो इतना तो जाना ही पड़ेगा, अगर इससे कम पे गया तो टी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। बेसिकली टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एम जी प्लस, अगर टी की वैल्यू देखें तो ये आ रहा है कैसे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। सो टी इज इक्वल टू कैसा दिखेगा, एम जी माइनस एम ए। तो अगर एम ए ज्यादा कम नहीं होगा तो फिर टी बहुत बढ़ जाएगा ना, और ब्रेक हो जाएगी वो ब्रांच, तो ए को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा जी बाई फोर से, तो वो नहीं ब्रेक होगी। इसलिए उसने क्या पूछा है, टर्म नोटिस करें, उसने मिनिमम बोला है, मिनिमम एक्सेलरेशन। समझ आया क्या ये, बताए 35 नंबर समझ आया? ओके यस सर। ओके गुड, चले अप टू 40 बताए। 39 40 39 36 40, चलो देख लेते हैं, 36 से देख लेते हैं, रीड करें 36। अ बुलेट फायर्ड विद द गन, फोर्स ऑफ बुलेट इज दिस, F is in Newton, T the force on the bullet becomes zero as soon it leaves the barrel. What is the average impulse? Okay, तो यार कुछ लोग देखिए क्या सिचुएशन होगी इसमें, यार इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को ये डाउट है, मैंने तो अभी इम्पल्स वगैरह कुछ बताया नहीं है, तो मतलब बेसिकली डाउट सब लोग का होना चाहिए था, बट कम ही लोगों ने 36 बोला। What is the average impulse imparted? तो अभी मैं आगे वाले चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ, जहां पे मैं मोमेंटम को बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, कि इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इंपल्स इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो बेसिकली कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है ये हमें बताना है। समझ आए क्या बताना है हमें, इंपल्स इंपॉर्टेंट मतलब है कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। अच्छा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें दिया है एफ, दिया है एफ इज इक्वल टू क्या है, दी गिवन है, कुछ फंक्शन दिया है, एफ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। अब तो एफ से हम मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन। हाँ, पहले एफ को हम क्या लिख सकते हैं, डीपी बाई डी टी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम फंक्शन ऑफ टाइम, और डी टी को इधर ले जाके क्या कर दें, हम इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा टोटल पी आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इस फंक्शन को, इस फोर्स को क्या करना चाहिए, हमें इंटीग्रेट कर देना चाहिए, तो काम बन जाएगा हमारा। समझ आ गया? ठीक, बट कब तक के लिए करना है ये तो हमें पता ही नहीं चला, कितने टाइम के लिए। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो एज सून एज इट लीव्स द बैरल, मतलब फोर्स जीरो हो जाता है तुरंत, तो हमें देखना पड़ेगा ना कितना टाइम लगा फोर्स को जीरो होने में। तो देख लेते हैं कि फोर्स जीरो होता है तो कितना टाइम उसे लग गया। तो एफ इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी। तो फोर्स जीरो हुआ जैसे ही वो लीव किया, तो इसका मतलब हम देखेंगे कि कितना टाइम वहां पर कंज्यूम किया उसने बुलेट ने, कॉन्टेक्ट टाइम उतने ही देर के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, सो दो जीरो कैंसिल आउट हुए, ये क्या आ गया, 3 × 10⁻³ सेकेंड। इतनी सेकेंड के लिए वो कॉन्टेक्ट में रहा। समझ आया सबको? Yes. हाँ, तो इतनी टाइम के लिए हम वहां पर निकाल सकते हैं, लेकिन यार इंटीग्रेशन में फिर ये टाइम रखना तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो इसका मतलब एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं, फिर देखें हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इंपार्टेड, मतलब बेसिकली हमें निकालना है कि एवरेज चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। ठीक, तो एवरेज चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करें, और हमें पता है कि ये एफ यूनिफॉर्म है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, सिंपल तरीके से हमें वहां पर लिखना पड़ेगा क्या, फोर्स एवरेज। एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन,
क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एवरेज इंपल्स चाहिए तो हम सिंपल वे में देख सकते हैं, एवरेज इंपल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, वो हो जाएगा एवरेज फोर्स कितना लगा इनटू टाइम टी। ठीक है, डन। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एवरेज फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा, अब एवरेज फोर्स कैसे देखें, हमें ये पता है कि पहले कितना लग रहा था और बाद में कितना लगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इतने टाइम पर लग रहा है, और अगर हम इनिशियली देखें कि कितना था, इनिशियल फोर्स कितना था, 600। तो इनिशियल फोर्स था टी जीरो रख देंगे, वो था 600, और थोड़े देर बाद आफ्टर जब वो बुलेट निकल जाती है, इनिशियल फोर्स तो जीरो 600 लग रहा था, और जैसे ही बुलेट निकलती है तो टी टाइम बाद एफ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बेसिकली हमें इन दोनों के बीच में देखना पड़ेगा कि फोर्स कितना चेंज हो रहा है। तो हमें एवरेज अगर माने कि लेट से फोर्स यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल एवरेज सिंपल फोर्स जस्ट F1 by F2। ठीक है, सो एफ एवरेज अगर निकालना है हमें तो कैसे निकाल सकते हैं, F1 plus F2 by 2, इस टाइप में एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 0 plus 600 over 2, कितना आ गया, 300 फोर्स एवरेज। ऑन एन एवरेज हम कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर दिस होल टाइम एवरेज फोर्स कितना लग रहा था, इतना, तो वही हो जाएगा हमारा एवरेज मोमेंटम चेंज। ओके, तो यहाँ पे हमें एवरेज फोर्स पता चला, टाइम की वैल्यू रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब अलग कॉन्सेप्ट है। बाय द वे, इंपल्स में हम इस चीज को बताते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी है वहां पर हम एक टॉपिक यूज करते हैं इंपल्स, और उसमें बताते हैं कि किस तरीके से इंपल्स डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में लगा सकते हैं। जो भी कुछ NLM में पढ़ा ये हम इंपल्स में वहां पर देखते हैं एक बार। ओके, ये 36। रीड करते हैं। A ball moving with a momentum of 10 kg meter per second strike against a wall at a 45 degree reflected with the same angle. What is the magnitude of change in momentum? Okay, maybe थोड़ा सा sheet में problem है यार। Sheet में momentum के भी questions आ गए हैं। किसी ने DC पांडे solve किया? DC पांडे में laws of motion में momentum के questions नहीं होंगे। Momentum के questions नहीं है, बट इस बुक में थोड़ा सा मोमेंटम के भी क्वेश्चंस आ गए हैं। यस सर, कोई बात नहीं। यूजुअली हम ये मोमेंटम को और डीप में स्टडी करेंगे वर्क पावर एनर्जी में, बट अभी के लिए बेसिक थोड़ा सा चाहिए। तो आप फील कर सकते हैं कि सोचो ये वेक्टर आ रहा है, ये बॉल ऐसे हिट की और बॉल बोल रहा है रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्शन पता है ना, जिस एंगल पर आएंगे उसी एंगल पर रिटर्न हो गए। तो बताओ चेंज क्या हुआ इसका मतलब। इसका मतलब जब आए थे तो इस तरफ एक वेलोसिटी थी और इस तरफ एक वेलोसिटी थी। अब जब जा रहे हैं, ये बॉल जा रहा है इस तरफ, तो क्या है, इधर एक वेलोसिटी और एक वेलोसिटी इधर है। कौन सा चेंज हुआ बताओ, ये चेंज हुआ क्या? हॉरिजॉन्टल। चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे इस वाले में चेंज हुए हैं। तो बस इसका मतलब समझ गए, चेंज इन मोमेंटम क्या निकालना है, कॉस कंपोनेंट आपको निकालना है। समझ आया, एम इन टू, अगर ये v cos theta से गया और v cos theta से रिटर्न आया तो टोटल चेंज कितना देखेगा, 2 v cos theta। ये v cos theta से गया, ठीक है, इट इज लाइक, सुने, सपोज 5 से गया तो पहले 0 होगा, पहले 0 होगा और फिर 5 से रिटर्न जाएगा ना, तो टोटल चेंज कितना आ जाया करता है, 10 आ जाता है ना। तो इसका मतलब v cos theta से गया आया और v cos theta से रिटर्न हुआ, तो चेंज कितना हो जाएगा, 2V cos theta। ठीक है, तो यहां से हम काम कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम मतलब समझ रहे हैं क्या दिया है, m into v की वैल्यू दी है। तो हम लिखेंगे 2 into mv की वैल्यू हमें गिवन है into cos theta। ओके, कोई डाउट इसमें, क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर।
चले 40 देखें। सो 40 अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर वेसल दिस मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक्स ऑन अ वॉल वेसल नॉर्मली पर सेकंड विद अ वेलोसिटी दिस एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। ये भी मोमेंटम का क्वेश्चन हो गया क्या? अगर m into v से आ रहे हैं तो रिटर्न भी m into v से जा रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2mv का। समझ आया क्या? तो फोर्स कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। कोई डाउट किसी को? समझ आया? मतलब ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गया एन इनटू मोमेंटम चेंज कितना है 2mv का अपॉन टाइम टेकन। हमें देखना है टाइम टेकन कितना है, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाई द गैस ऑन द वॉल, बाई द गैस ऑन द वॉल इफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज दिस। m पता है हमें, v पता है हमें, वेसल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, तो इसका मतलब हमें टाइम की बस टेंशन है। बताओ टाइम कहाँ से निकाले? टाइम 1 सेकंड यूज करेंगे ना, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड 1 सेकंड यूज करेंगे तो एक्चुअल फोर्स आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट इसमें? ये मोमेंटम चेंज तो समझ में आया कि नहीं, क्यों 2mv होगा? यस सर। कोई एक ऑब्जेक्ट 10 से आ रहा था और पहले कोलाइड हुआ, तो पहले इसका मोमेंटम 10 से 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा 10 मिल गया ना, रिबाउंड का मतलब तो यही हुआ ना, तो चेंज कितना हुआ, यहाँ पर 10 हुआ और प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा 10 हुआ, टोटल चेंज कितना हुआ 20 हुआ ना। चले अप टू 45 बताएं। 42 45 ओके 42 44 45 चले देखें। सो अ जेट ऑफ वाटर इशूइंग हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ हॉस पाइप स्पीड दिस स्ट्राइक द वॉल, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑन द वॉल इफ द एरिया ऑफ मास इज दिस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस। तो यार इसका मतलब देखो कि इसमें फोर्स देखो किसी स्पीड से आ रहा है। समझ पा रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें वाटर जेट वाला क्वेश्चन है, देखो वाटर जेट अगर आ रहा है, यार मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यार, ये क्वेश्चंस पूरे वर्क पावर एनर्जी के हैं, आप समझ रहे हो, ये पूरे मोमेंटम के क्वेश्चन चल रहे हैं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मोमेंटम के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने थे हमें, मोमेंटम के क्वेश्चन हमें नेक्स्ट चैप्टर में करने हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अभी के लिए देख लेते हैं कि हमें पता है कि ये फोर्स ऐसे एग्जर्ट करने वाला है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब इस टाइप के फोर्स को हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं वी एग्जॉस्ट वेलोसिटी इनटू क्या टीएम बाय डीटी। ये किस टाइप का फोर्स होता है जो वाटर जेट किसी भी वॉल पे ऐसे अप्लाई करते हैं, ये एक टाइप का क्या होता है थ्रस्ट फोर्स टाइप का, याद है थ्रस्ट फोर्स? अरे थ्रस्ट फोर्स समझ आया? Yes. अच्छा अब हमें चाहिए डीएम बाय डीटी, तो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। क्लियर? तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा, एरिया बदल रहा है क्या, नहीं, डेंसिटी बदल रही है क्या, नहीं, लेंथ डिस्टेंस बदल रही है, और डीएल बाई डी टी क्या बन जाएगा हमारा वी, तो एफ थ्रस्ट फोर्स क्या आ जाएगा वी इंटू, ये हो जाएगा रो ए डीएल बाई डी टी, और ये डीएल बाई डी टी किसके जैसा काम करेगा, वी के जैसा, तो इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर। ये हम आगे लिखाते हैं, ठीक है, अभी भी आप याद रख सकते हो, बेटर रहेगा, बाकी मैं वर्क पावर एनर्जी के लास्ट में ये फॉर्मूला लिखाता हूँ, ठीक है, तो अभी कर लेंगे। ये फॉर्मूला समझ में आया, कैसे आया ये? यस सर। ओके ठीक है, 44 देखें। A rope of length this, linear density this, tied to a block this,
block is resting on a horizontal surface, if the force applied free end the rope to pull the block, then the force used for pulling the rope will be. मतलब रोप का भी मास दे दिया ना यार, तो इसमें क्या टेंशन ले रहे हो यार, ऐसा क्वेश्चन तो करा दिया है ना. रोप का भी मास दिया, लीनियर डेंसिटी कितनी थी 0.2 केजी पर मीटर, तो इसका मास कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू 0.2 इंटू कितनी लेंथ है 10 मीटर की रोप है, तो कितना आ गया 2 केजी, इसका भी वेट आ गया, ये कितना है 48 केजी, एफ कितना है 125. समझ आया क्या आ जाएगा, क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे पहले क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे कि इस एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक को चलाने में कितना फोर्स यूज होगा. तो बाकी बचा वाला फोर्स कौन यूज कर रहा है, रोप. समझ आया, क्वेश्चन समझ में आ गया. हमने निकाला a इज इक्वल टू पूरा 125 बाई 50, ठीक है, और दोनों को a से चलाना है, तो देख लो रोप को चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, f इज इक्वल टू m इंटू a, m कितना है 2 kg है, इंटू a कितना है 125 बाई 50. समझ आया सबको, तो यहां से कितना आ जाएगा 525, इतना फोर्स लगेगा रोप को चलाने में. बताया था ना यार ये रोप एज अ ब्लॉक काम करता है. ओके यार सबको, यस सर. ओके, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ टू डिफरेंट मासेस विद एवन एंड टू व्हेन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन देयर कंबाइंड मास द एक्सेलरेशन इज. तो मतलब डायरेक्ट ये है ना, ठीक है, ये बताया था कि ये एफ है और ये मान लेते हैं m है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू ए वन दिया है, टू डिफरेंट मासेस हैं, तो m1 मान लेते हैं, ये तो अपन ने सॉल्व किया था ना, f इज इक्वल टू कितना है m1 a1. फिर पूछा है व्हेन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन देयर कंबाइंड मासेस, तो पहले सेम फोर्स अभी अलग अलग काम कर रहा है, m2 को कितना प्रोवाइड कर रहा है सेम, f इज इक्वल टू m2 इंटू a2, और अगर दोनों में लग जाएगा m1 plus m2, मतलब a is equal to कितना आ जाएगा f over m1 plus m2. और याद है f को क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं, m1 a1 या फिर m2 a2. समझ आया, तो हमने इसे लिखा m1 a1 upon, अभी क्या करना होगा, किसी एक को रिप्लेस कर दो, तो किसे रिप्लेस कर दिया जाए, M1 ऊपर रखा है तो किसे रिप्लेस करेंगे, इसका मतलब M2, M2 को रिप्लेस कर देंगे, तो ये M1 रहेगा, M2 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं M1 A1 by M, sorry, A2. समझ आया, यहां से रिप्लेस कर दिया, यहां से हमने M2 को, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू M2 A2 लिख सकते हैं, सो A2 इज इक्वल, M2 इज इक्वल टू क्या आएगा, A2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, अभी M1 पूरा कॉमन लेके कैंसिल आएगा, LCM लेके A2 ऊपर जाएगा, A1 plus A2 बचेगा, ये लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, F upon M1 को क्या लिख सकते हैं, F by A1 plus M2 को क्या लिख सकते हैं, F by A2, ऐसे भी करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा, ठीक है, समझ आया पैटर्न, यस सर. चले चलो ठीक है, आज के लिए काफी है, कल हम बाकी पोर्शन पूरा शीट कंप्लीट कर लेंगे ये. ओके ओके सर, बाय बाय एवरीवन, बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय.